हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे फुल एडर। पिछले वीडियो में हमने देखा था हाफ एडर, जिसमें दो बिट्स को ऐड किया जा सकता था। लेकिन फुल एडर में क्या होता है कि इसमें तीन बिट्स को ऐड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। फुल एडर में आज क्या क्या पढ़ेंगे पहले देखेंगे ट्रुथ टेबल, और फिर इसका के मैप, उसके बाद लॉजिक सर्किट। ओके, तो इसमें क्या है कि तीन बिट होगा। तो तीन बिट्स का मतलब ए बी और सी, और हर एक में कितना इनपुट होगा ये डिसाइड होता है 2 to the power 3। थ्री बिट्स हैं, थ्री बिट को लिखेंगे 2 to the power 3, 8। मतलब क्या है, 8 इनपुट आएगा, 0 0 0 0 1 1 1 1। ओके, 0 0 1 1 0 0 1 1, 0 1 0 1 0 1 and 0 1। ओके, अब इसका सम और कैरी लिख लेंगे। सम और कैरी, तो 0 0 क्या होगा, 0 0, 0 और 0 क्या होगा, 0, और 0 1 1 1, और ये 0, 0 प्लस 1 1 1 प्लस 0 1, और कैरी 0। 0 और 1 क्या होगा, 1 होगा, 1 और 1 क्या होगा, 0, कैरी 1, 1 प्लस 0 1 1 एंड 0 1, कैरी 0, 1 और 0 1 1 प्लस 1 0, कैरी 1, 1 प्लस 1 क्या हुआ, 0, और कैरी 1। अब इसमें 1 प्लस 1 1 प्लस 1 0, कैरी 1 हो गया। अब इसमें एक और 1 ऐड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 और ये भी 1। तो फुल एडर का तो ट्रुथ टेबल रेडी हो गया। अब इसका के मैप बना लेते हैं। तो के मैप पहले सम का देखते हैं। तो इसमें कितने सेल बनेंगे, 8 सेल, क्योंकि इसमें 3 इनपुट है। ए बी सी, 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0, अब इसको वैल्यू पुट कर लेते हैं सम का। तो ए जब ज़ीरो है और बी सी, तो यहाँ पर वैल्यू क्या है, सम 0 है। ए जब 0 है और बी और सी 0 और 1, मतलब इस टाइम पे 1 है। डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेता हूँ, इसमें होगा 1 0, ए 1 है तो इसमें 1 है, 0 0 1, तो ये वैल्यू पुट कर लिया। उसके बाद इसका आप एक्सप्रेशन देखते हैं। ओके, तो ये अलोन है, ये अलोन है, ये अलोन है, और ये कोई भी मैपिंग नहीं हुआ है। तो अब देखते हैं कैसे लिखेंगे इसके, ए बार बी बार सी इसके लिए, प्लस ये ए बार बी और सी बार, उसके बाद ये ए बी बार और सी बार, एंड देन ये, इसमें क्या होगा, ए बी और सी। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं से दोबारा बता दूंगा। बस ये आपको आना चाहिए क्योंकि आपने पहले ही ऑलरेडी कर चुके होंगे। चलिए अब थोड़ा इसे सिंपलीफाई कर लेते हैं। इसमें से कॉमन ले लेते हैं ए, ए बार, तो ये बच गया बी बार सी प्लस बी सी बार, उसके बाद ये ए कॉमन आएगा, बी बार सी बार
प्लस बी और सी। तो अब इसे देख सकते हैं ये एक जोर गेट है, तो जोर गेट है तो मैं ऐसे लिख सकते हैं ए बार बी सी। और अब अगर आप इसे ध्यान से देखें तो एक नॉर गेट है, तो इसमें ए बी सी ए बार। ओके, अब जब बी प्लस सी बी, इसको हम एक मान लेते हैं, एक और वैल्यू मान लेते हैं पी मान लेते हैं। ओके, तो इसे लिख सकते हैं ए बार पी प्लस ए पी बार लिख सकते हैं। तो देख सकते हैं खुद में एक और एक जोर गेट बन गया, तो इसे हम लिख सकते हैं ए पी, एक फाइनल जोर गेट बना है। तो ये तो वैल्यू आ गया सम का। अब देखते हैं कैरी का। ओके, मैं ये वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देता हूँ। अगर बता दें जैसे कि आपको अगर नहीं आता है तो दोबारा मैं बता दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीरो 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 वन, जीरो 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 वन, जीरो ट्रिपल वन, जीरो वन वन एंड वन। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो पहले इसको देखते हैं पेयर बन रहा है ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ। इसे नाम देते हैं ग्रुप वन, ग्रुप टू, ग्रुप थ्री। ये सम के लिए और कैरी के लिए। तो कैरी के लिए अब जब ग्रुपिंग हो गया है तो इसका हम लिख लेते हैं एक्सप्रेशन। तो इसका एक्सप्रेशन क्या हुआ, बी सी, बी सी प्लस ये हो गया, इन दोनों में कॉमन क्या है ए, पहले तो ये लिख लेंगे, और इन दोनों कॉमन ए सी प्लस इन दोनों का कॉमन ए बी। ये एक तो हर के लिए रहेगा और इन दोनों में कॉमन देख, तो ये एक्सप्रेशन बन गया कैरी का। ओके, चलिए अब इसका लॉजिक सर्किट बना लेते हैं। तो हमने पीछे देखा भी कि ये आया है हमारा लॉजिक सर्किट सम का, तो इसे थोड़ा और डिटेल में लिख सकते हैं ए बी सी। इसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हमें इसका लॉजिक सर्किट बनाने में आसानी होगी। ए बी सी तो जोर गेट बना लेते हैं क्योंकि सम का ए बी और सी इनपुट है और कैरी का तीन एंड गेट, एक दो और ये तीन, बी सी बी और ये सी, फिर ए सी ए और ये सी और फिर ए बी, ए ए बी और ये बी। तो हम ये जानते हैं कि ये सोप है, सम ऑफ प्रोडक्ट। तो फाइनल जो जाएगा वो और गेट
और गेट से जाएगा। ये आ गया कैरी, तो ये हो गया इसका लॉजिक सर्किट। अगर आपको इसमें भी कुछ पूछना है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो के बनाते टाइम आपको डिटेल में बता दूंगा। थैंक यू।